पता नहीं, ऐसे बहुत ही लग रहा है कि यार अपना कोई जा रहा है बस थोड़ी देर के लिए, पता है आ जाएगा जल्दी, बट पापा को अपने से अलग करना, फिजिकली फॉर्म में अलग करना, वो बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो नहीं रोक पाते. गणपति पापा जी जी जी, इतनी तैयारियाँ की उनके लिए, यू नो इतना डेढ़ दिन इतना लाड प्यार किया जो उनके लिए बनाया, और सडनली चले गए, ऐसे लगा डेढ़ दिन यूँ निकल गया, एक सांस के साथ निकल गया. सो वो फीलिंग है, बट ऑफ कोर्स अभी वापस घर जाके लगेगा, कोई बात नहीं, अभी अगले साल की तैयारी करेंगे, जल्दी आएंगे. इसलिए घर पे फिर क्या हो जाता है, मतलब किस तरीके की फीलिंग होती है? अभी घर पे जाएंगे तो डेकोरेशन देख के लगेगा यार पापा कहाँ है, थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में हम मूव ऑन कर जाके सोच के कि अरे अगला साल आ रहा है, अगला साल आ रहा है. अभी तो घर पे जाऊंगी अपने. अभी यस यस, अभी कल जाऊंगी, जिनके घर में 5 दिन के गणपति है, स्कूल फ्रेंड्स है बहुत सारे मेरे, तो अभी मैं यहीं आई हूँ, तो जाऊंगी विजिट करूंगी दोस्तों के घर. यही कहना चाहूंगी कि पापा चले गए हैं लेकिन बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके गए हैं, सो आप ध्यान में रखिए पापा ने जो जो सिखाया, हमें प्यार से रहना है, मजे करने है, खाना पीना है, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. गणपति बापा मोरिया.